सो गाइस आज की इस वीडियो में सर्वे हर्ट एप्लीकेशन का फुल रिव्यू देने वाला हूं। देन इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आज के बाद इस टॉपिक पर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको इसमें अकाउंट बनाना है एंड कैसे इसमें पैसा कमाना है और कैसे इसमें आपको फॉर्म भरना है। ए टू जेड आप इसमें प्रोसेस जान जाएंगे। इस वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि इसमें पैसा आप कैसे कमा सकते हो। देखिए इस एप्लीकेशन में आप डायरेक्टली पैसा अर्न नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली पैसा आप अर्न कर सकते हो। तो वही बताने वाला हूं कि कैसे इसमें आपको इनडायरेक्टली पैसा अर्न करना है एंड कैसे इसको यूज करना है। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता हूं। तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर सर्च मारेंगे कि सर्वे हॉट करके तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर तिर के आइकन पर आपको टाइप करना है, फिर से आपको एक बार टाइप करना है तिर के आइकन पर और यस पर टाइप करना है। यस पर टाइप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना कोई भी जीमेल आईडी से आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जीमेल आईडी पर सेट करते हैं साइन विद गूगल पर, इस पर टाइप करने के बाद आपके फ़ोन में जितना जीमेल आईडी होगा सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जौन सा जीमेल आईडी से यहाँ पर आप अकाउंट बनाना चाहते हो उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक जीमेल आईडी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को ओपन होने देते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक जो कि मैंने फॉर्म बनाया था जो कि गिव अवे का, आपको कैसे फॉर्म बनाना है और कैसे यहाँ पर आपको पैसा कमाना है आपको मैं बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर फॉर्म अगर बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं गिव अवे के लिए फॉर्म बनाया हूँ, आपको बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म बनाना है। यहाँ पर क्विज का दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप चाहे तो कोई स्टूडेंट से या कोई बच्चे से अगर आप क्विज अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आप मंगवाना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर्म बना के उसके पास लिंक भेज सकते हैं। उस लिंक पर टाइप करेगा तो वहाँ पर पूरा क्वेश्चन खुलकर आएगा, उसके हिसाब से आपका जवाब देकर वहाँ पर आपको सेंड कर देगा। तो सेंड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कैसे आपको बनाना है, फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्म पर सेलेक्ट रहेगा ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ पर प्लस के आइकन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, एक मैंने फॉर्म बनाया था गिव अवे का जो कि इस प्रकार से गिव अवे का फॉर्म है। यहाँ पर जितना फॉर्म पर रिस्पॉन्स आएगा सारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फॉर्म आपको कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पर प्लस के आइकन पर आपको टाइप करना है। प्लस के आइकन पर टाइप करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, क्विज और फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म के ऑप्शन पर मैं टाइप करता हूँ। फॉर्म के ऑप्शन पर टाइप करने के बाद ये नीचे की ओर देख लीजिए, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म का टाइटल लिखना है कि कौन सा टाइटल पर आप फॉर्म बनाना चाहते हो। जैसे कि एक मैं गिव अवे पर फॉर्म बना रहा हूँ, जैसे कि गिव वे यहाँ पर लिख दिया, टाइटल इसका लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि गिव अवे आप कैसे देना चाहते हो, कितना गिव अवे दोगे, तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पेटीएम कैश, ऐसे आपको बताने के लिए आप बहुत सारे वर्ड में यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पेटीएम कैश में यहाँ पर लिख देता हूँ 50 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद आपको अब करना क्या है, फिर से प्लस के आइकन पर आपको टाइप करना है। प्लस के आइकन पर टाइप करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट आंसर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस शॉर्ट आंसर के ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद सबसे पहले गिव अवे देने के लिए आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं फुल नेम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो कि फुल नेम यहाँ पर देना है। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड यहाँ पर इसको आपको इनेबल कर देना है। फिर से यहाँ पर जो कि आपका एक बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या आप उस बंदे का जिसको पेटीएम कैश आप करना चाहते हो गिव अवे 50 रुपीज़, वो पेटीएम कैश आपको देना। फिर से आपको प्लस के आइकन पर टाइप करना है और शॉर्ट आंसर पर टाइप करके यहां पर पेटीएम कैश यहां पर पेटीएम नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर पेटीएम नंबर पेटीएम नंबर लिखने के बाद फिर से इसको इनेबल कर देना है। फिर से इस पर आप टाइप करेंगे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं कोड मांगना चाहता हूँ जो कि मैं वीडियो में कोड दूंगा, जिस कोड को आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको 50 रुपये पेटीएम कैश मिलेगी। तो यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रिक्वायर कर देना है, इनेबल कर देना है। फिर से आप अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना चाहते हो अपने व्यूअर से तो यहाँ पर आप प्लस के आगे पर टाइप करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो फाइल अपलोड यहाँ पर ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसको आपको ऐड करके यहाँ पर जैसे फॉर्म बना सकते हो। जैसे कि हमको पेटीएम गिव अवे देने के लिए हमको 3 ही रिक्वायर्ड है, जो कि कोड देना है, वीडियो में कोड मिलेगा, पेटीएम नंबर देना है, फुल नेम देना है, ये करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर टाइप करके यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो, अगर थीम रखना थीम बनाना चाहते हो इसका थीम बना सकते हो। जैसे कि मैं
यहाँ पर थीम कोई भी थीम रख लेता हूँ, जैसे कि ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थीम रखेंगे तो यहाँ पर अच्छा लगेगा आपका, जो कि फॉर्म उसके पास सेंड करेगा, लिंक पर टाइप करेगा तो यहाँ पर थीम आपका अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, थीम मैंने सेट कर दिया, स्टार्ट देख लीजिए, थीम इस प्रकार से हो गया, गिव अवे पेटीएम कैश 50 रुपीज। अब स्टार्ट पर टाइप करेगा, जैसे कि किसी को आप लिंक भेजेंगे तो स्टार्ट पर टाइप करेगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस उसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फुल नेम लिखेगा, यहाँ पर पेटीएम नंबर लिखेगा और यहाँ पर कोड लिखेगा, उसके बाद सबमिट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको इतना करने के बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लोगो भी लगाना चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद इस यहाँ से आपको लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर कहीं से भी लिंक को, मैं जैसे कि व्हाट्सअप में हम लिंक को डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो व्हाट्सअप में मैं लिंक को डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इस पर जैसे आप कोई व्यूअर टाइप करेगा तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको उसको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ पर खुलने तो देख लीजिए। अब जैसे स्टार्ट पर टाइप करेगा, स्टार्ट पर टाइप करने के बाद वो फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर फुल नेम लिखेगा, पेटीएम मोबाइल नंबर और यहाँ से कर देगा सबमिट आपके पास नोटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर मैं फुल नेम अपना लिख लेता हूँ और यहाँ पर पेटीएम नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे आपको फेक, और इस यहाँ पर कोड कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया, उसके बाद सबमिट करेगा, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन देख लीजिए गिव हुए। अब यहाँ से हम इस चीज़ को देख कर हम उसको गिव हुए कर सकता हूँ, और इसमें पैसा कमाने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रिक है। जैसे कि आप यहाँ पर इसको शेयर कर देंगे आपके, जैसे कि आपके को फॉर्म को अगर कोई यूज करेगा तो आपको पैसा उससे मिलता है। अगर आप कोई किसी कंपनी का डील करते हैं कि इस हिसाब से आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उस मैनेजमेंट को, आप कोई कंपनी का बिजनेस हो गया उसको आप मैनेज करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। इसका डायरेक्टली कोई पैसा कमाने की तरीका नहीं है, आप यूज कर सकते हो, बता दिए कि आपको किस हिसाब से इसमें आपको यूज करना है। इस एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद पड़ा। अगर वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि शेयरफुल वीडियो अपने चैनल पर हर दिन हर रोज लाता रहता हूँ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।